रायसेन में दूल्हा पहुंचा हवालात में, दुल्हन ने किया शादी से इनकार। बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को टीके की रस्म में दिए थे 10,000 रुपए, दूल्हे ने मांगे 50,000 रुपए। दुल्हन की मां ने हैसियत नहीं होने का कारण बताया 50,000 रुपए देने से इनकार किया। पैसे को लेकर दोनों पक्षों में बड़ी बहस हुई। ये देख दुल्हन ने शादी से इनकार करते हुए दूल्हे को पहुंचाया हवालात। बेगमगंज पुलिस ने दुल्हन सीता की रिपोर्ट पर दूल्हे राम कुमार और उसके पिता भगवान दास के खिलाफ दहेज अधिनियम की धाराओं में की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम बड़गवा से बेगमगंज के ग्राम जरुआ में आई थी बारात। सर वहाँ पे खाना खाया, खाना खा के हम लोग चढ़ाव चढ़ाने के लिए चले गए और बाहर यहाँ लड़ाई होने लगी। किस बात पे से? सर मालूम नहीं, हम तो अंदर थे, चढ़ाव चढ़ा रहे थे बच्ची के लिए। टीका में 10,000 रुपये चढ़ाए गए तो लड़के के पिता और लड़के ने मांग किया कि हमारे खर्चे ज़्यादा हुए हैं, हम बेरनी को भी ले आए हैं नचाने के लिए, बस भी किया है हमने, हमें कम से कम 50,000 रुपये टीका में चाहिए। 50,000 रुपये देने से लड़की के पिता ने इनकार कर दिया कि हमारी क्षमता नहीं है। उसने ये भी कहा कि 3 दिन पहले हमने लगुन में एक मोटरसाइकिल 50,000 की लोन ले करके खरीद करके दिया है आपको, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इस बात को लेकर के लड़के ने, दूल्हा ने, उसके पिता ने और उसके परिवार के अन्य लोगों ने वहाँ पर झगड़ा किया, हाथापाई किया लड़की पक्ष के साथ और लड़की को भी धक्का मुक्की में चोट आई। इस कारण क्षुब्ध होकर के लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और शादी नहीं हुई। आज लड़की अपने पिता के साथ थाने पर आकर के घटना की उसने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट करने के पश्चात दूल्हे के खिलाफ, उसके पिता और अन्य लोगों के खिलाफ, 5 लोगों के खिलाफ मैंने धारा दहेज अधिनियम तथा IPC की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।